I was initially very scared, but I've read a lot about him and lots of articles in the newspapers and everything. And he always experiments a lot of things with me. So then I was like least assured that he would do whatever he's doing is the best. एक कास्ट हैं सरदार जो वो लोग सीजर्स नहीं लगाते हैं तो ये एक्चुअली कैंडल कटिंग तो मैं आज से नहीं करता हूँ करीबन 30 इयर्स बिफोर से करता हूँ बहुत पहले भी मैं एक सरदार हमारे दोस्त थे वो बोले कि आप मुझे जला के ये इतने बाल जला के दोगे उससे मुझे आइडिया आके उनको कैंडल कटिंग करनी चाहिए फिर मैंने कैंडल से कटिंग चालू की और उनको उनकी जो बहुत ज़्यादा दाढ़ी लंबी होने के कारण वो बांध नहीं पाते थे तो उनको बांधने के लिए वो सीज़र तो नहीं लगा सकते इसके लिए बर्न करके उनकी वो दाढ़ी को शॉर्ट किया और बाद में वो बहुत अच्छी तरह से बंद कर पाते थे जब हरीश भाटिया साहब आँख की पट्टी बांध के बाल काट सकते हैं मैंने सोचा मैं क्यों नहीं इस प्रोफेशन को आजमाऊं लेकिन मुझे एक ऐसा था इससे एक नई प्रेरणा मिली कि मैं ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद में मुझे एक ऐसा लगा कि इससे मुझे फ़ायदा हो नहीं हो लेकिन ब्लाइंड लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा और ऐसा सोच के मैंने इसमें ज़्यादा मास्टरी हासिल की और जब मास्टरी मिल गई और मैंने ब्लाइंड लोगों को सिखाना चालू किया हाँ जी ये वो तो एक अभी मैंने न्यू और टेक्निक निकाली ओनली ब्लेड से जो ब्लेड से मैं सिर्फ फिंगर में अटैच करके उसको कट करता हूँ और मुझे हमेशा न्यू क्रिएशन करने का बहुत शौक है और वो ऊपर वाला मुझे न्यू आर्ट देता है उससे हैं स्लाइडिंग टेक्निक हैं फ्लाइट टेक्निक हैं ट्विस्टिंग है ऐसे करीबन 12 टेक्निक्स हैं मेरे पास जो मैं डिफरेंट वे से कटिंग करता हूँ बस खाली इतने से दोनों लेफ्ट हैंड
Thank you.